अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटरमेलन यानी कि तरबूज के फ़ायदे के बारे में। तरबूज खाने से आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तरबूज किस वक्त खाना चाहिए, किस वक्त तरबूज जो है वह नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों के साथ तरबूज को जो है वह नहीं खाना चाहिए, और वेट लॉस में जो है वो तरबूज किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है, ये सब आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तरबूज में जो है वो 92% तक वाटर होता है, तो तरबूज जो है वो हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, वाटर बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, 8 से 10 ग्लास पानी जो है वो कहते हैं कि नहीं हम पी सकते, तो वो तरबूज का लाजमी इस्तेमाल करें। आजकल जो है वो सीज़न में है वाटरमेलन, तो आजकल आप लोग अपने स्नैक्स में, फ्रूट्स में लाजमी इसको शामिल करें। वाटरमेलन का इस्तेमाल जो है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि वाटरमेलन जो है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तरबूज के 1 कप से आपको तकरीबन 20% जो है वो विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी वाउंड हीलिंग में बहुत अच्छी हेल्प आउट करता है। वाउंड हीलिंग में जो है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल है, तो विटामिन सी वाउंड हीलिंग में आपको चोट लग जाती है उसको सही करने में जो है वो भी विटामिन सी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके अलावा विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ तरबूज विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन ए जो है वो सिर्फ गाजर में ही नहीं बल्कि बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। विटामिन ए जो है वो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा विटामिन ए आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो तरबूज खाने से जो है वो आपको विटामिन ए भी मिलेगा। इसके अलावा तरबूज में जो है वो लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन जो है वो एक फाइटोकेमिकल है। फाइटोकेमिकल्स बेसिकली हमें प्लांट बेस्ड चीज़ों से मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो कलर हैं वो फाइटोकेमिकल्स की वजह से होते हैं। तरबूज का जो लाल रंग है वो लाइकोपीन की वजह से, इसी तरह गाजर का जो लाल रंग है वो भी लाइकोपीन की वजह से, गाजरों में भी जो है वो लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन जो है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लाइकोपीन जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है, और आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी लाइकोपीन बहुत अच्छा है। तरबूज में जो है वो पोटेशियम भी पाया जाता है। पोटेशियम भी आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर को जो है वो मैनेज करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ तरबूज में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। मैग्नीशियम स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई भी मेंटल इश्यू है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, तो मैग्नीशियम उसके लिए बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम रिच फूड से जो है वो स्ट्रेस कंट्रोल होता है, तो तरबूज में जो है वो मैग्नीशियम भी पाया जाता है। आजकल जो है वो हर इंसान को किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस ज़रूर होता है, तो मैग्नीशियम जो है वो आपके स्ट्रेस को कम कर देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तरबूज में विटामिन सी और विटामिन ए होता है, तो वो आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देगा। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में जितने भी जहरीले मादे हैं उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, तो तरबूज खाने से जो है वो आपको एंटीऑक्सीडेंट की भी बहुत अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। इसके अलावा तरबूज जो है उसमें फाइबर भी पाया जाता है, जो कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और बॉडी में जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए भी फाइबर बहुत अच्छा है। तो तरबूज खाने से जो है वो आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तरबूज को जो है वो आपने कभी भी पानी के साथ नहीं लेना। तरबूज से 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, और आधे घंटे तक, तरबूज खाने के आधे घंटे बाद भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उससे डायरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि तरबूज में जो है वो ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है, तो अगर आप उसके साथ पानी और पी लेंगे तो उससे जो है वो डायरिया के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तरबूज को जो है वो अपने पानी, दूध या फिर किसी भी लिक्विड के साथ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि तरबूज को जो है वो आप एज अ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह नाश्ते के, या फिर दोपहर के खाने के दरमियान जो है वो तरबूज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान तरबूज को एज अ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तरबूज का जो है वो निहार मुँह इस्तेमाल करते हैं नाश्ते से 1 या आधा घंटा पहले, तो उससे भी जो है वो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, और डाइजेस्टिव इश्यूज़ जो है उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। अगर वेट लॉस की बात की जाए तो तरबूज जो है वो वेट लॉस में भी इनडायरेक्टली हेल्प करता है। तरबूज को जो है वो अगर आप किसी भी खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको जो है वो कम भूख लगेगी और खाना भी कम खाया जाएगा, जिसकी वजह से आपका वेट भी लॉस होगा। आइडियल टाइम जो है वो तरबूज को इस्तेमाल करने का एज अ स्नैक या फिर निहार मुँह है,
और तरबूज का जो है वो आप जूस भी बना के पी सकते हैं। उसमें जो है वो पानी ऐड नहीं करना, उसको सिर्फ ग्राइंड करना है। उसमें आप पुदीना या फिर लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लें। और कोशिश करें कि उसके जो बीज हैं उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करें, क्योंकि अगर बीज जो है वो सही तरह से आप उसको ग्राइंड नहीं करेंगे तो उससे जो है वो आपके इंटेस्टाइनल इश्यूज हो सकते हैं। तो या तो तरबूज के बीज जो है वो ग्राइंड करते हुए आप निकाल दें या फिर उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। सीजन में तरबूज है तो आप उसका लाजमी इस्तेमाल करें और रोज़ाना जो है वो 1 से 2 कप तरबूज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे तरबूज के फ़ायदे, तरबूज को वेट लॉस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबूज को खाने का आइडियल टाइम क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।